हमारे जो शास्त्र हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें ये बताया गया है कि हर एक सदी का जो होता था, काल होता था, उसका एक लाइफ स्पैन होता था। जैसे कि जो मेन है वो जो प्रकृति में मेन चीज़ है वो है चार धर्म के हिसाब से चल रहा है। जैसे सतयुग था पहले, फिर आया त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और अभी जो चल रहा है ये कलयुग। तो चार युगों में बांटा गया है पूरे जीवन लाइफ स्पैन को इंडिया का। तो जो पहले, तो अगर देखा जाए जो सतयुग में थे तो इंसानों की जो औसत लंबाई थी वो 32 फीट होती थी, और फिर त्रेता युग आया तो 10 फीट कम हुए तो 20 फीट तक रह गई। आगे द्वापर युग आ गया तो उसमें और 10 फुट छोटी हो गई, मतलब 11 फीट तक के थे। और अगर अब देखा जाए तो अब तो वही 6 या 4.5 6 5.5 फुट ऐसी है। और कहते हैं कि जैसे निकलता जाएगा टाइम तो उतनी लाइफ और हाइट वो कम होती चली जाएगी। इसका देखो लेकिन साइंटिफिक प्रूफ तो कहीं पे नहीं है। ये माइथोलॉजी जो होती है ये ग्रंथों के हिसाब से चलती है, कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उस हिसाब से ये माइथोलॉजी का जो बताया गया है कि इतना इतना था वो उसमें ही है, लेकिन साइंटिफिक कोई नहीं। तो क्योंकि ये पहली सदियों की बातें हैं इसलिए। तो आगे जाके जो अपने सभी साधु संत थे उस समय, तो मिलकर वो हवन करते थे, या जहाँ पे ज़रूरत होती थी बारिश करवानी होती तो उस समय हवन ऐसे करते थे प्यार से और जल लगा के कि वर्षा हो जाती थी। आजकल का जो हाल है वो ये है कि कथावाचक जो हैं वो खुद ही एक दूसरे के साथ कमियां गिनाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वो हमें क्या संदेश देंगे। तो उसी हिसाब से जो आगे चलकर अपना ये गीता में सारा लिखा हुआ है या वाल्मीकि रामायण में, और उस समय के जो कुछ खास योद्धा हुए थे रामायण में और महाभारत में, वे इसके भी बारे में कुछ इसलिए भी ज़्यादा अच्छी तरह पता है क्योंकि ये दोनों ही जब हमारे टीवी पे आने शुरू हुए थे उसकी वजह से बहुत नॉलेज गेन हो गई थी, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था पता। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए, हम शुरू करते हैं कि जो ये सबसे बड़ा अपना धनुर्धर था महाभारत का वो था अर्जुन। तो अर्जुन के जो अपना ये 8 फीट उसकी लंबाई थी, और उसका जो दुर्योधन था उसके उलट तो उसकी लंबाई थी 9 फीट 2 इंच, और 10,000 हाथियों को बल रखने वाला जो भीमसेन था वो था 15 फुट लंबा। और अगर रामायण काल के देखा जाए महारथियों को, जैसे कि लंकापति रावण, उसकी ऊंचाई थी 84 फीट, क्योंकि इसीलिए वो एक बार अहंकार के वश आके उसने जो ये पर्वत था कैलाश पर्वत उसको हाथों पे उठा लिया था, तो सोचो कितनी ताकत होगी। तो वहाँ पे अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो उसका भाई कुंभकर्ण था, तो कुंभकर्ण का जो लंबाई थी वो 110 फुट ऊंची थी। इसीलिए जब भी उसको रावण को उसके लिए साथ में बात करनी होती थी कुंभकर्ण के, तो उसका एक मतलब 20-25 पौड़ियाँ चढ़कर ऊपर एक चबूतरा बनाया होता था जिस पे खड़ा होकर रावण बिल्कुल उसके मतलब फेस टू फेस आ जाता था ऊंचाई के साथ, तब वो बात कर पाता था। तो जब वहाँ पे जो नॉर्मल कहते हैं कि जो कोई भी आ गया सेना उठा के और लंका पे जा मान लो चढ़ाई कर दी, तो वहाँ पे कोई सेना नहीं जाती थी, कुछ नहीं जाता था लंकापति के रावण की तरफ से, सिर्फ कुंभकर्ण को भेज देते थे। आधी तो वहाँ पे भगदड़ उसको देखते ही हो जाती थी इतनी लंबाई चढ़ाई वाले इंसान को आते हुए, जो रह जाते थे वो उसको पैरों के नीचे रौंद देता था, उसको पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे वो कहीं जो जो थे अपना, जब भी कोई बड़ी आपत्ति आती थी लंका पे तो उसे जगाया जाता था, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ा जाता था। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए जो उसका सबसे बड़ा रावण का पुत्र था वो था इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ पहले नाम था उसका। तो मेघनाथ भी इसलिए था कि मेघ है जो हम उन्हें बोलते हैं, मेघ जो बड़े बड़े काले बादल होते हैं जिनमें गर्जना होती है, बिजली लचकती है। तो उस हिसाब से जब वो आता था युद्ध में, उसका जो रथ था और रथ की आवाज़ और उसकी खुद की गले की आवाज़ इतनी बड़ी थी कि वो जब ललकार मारे ऐसे लगता था कि जैसे कि बादल गरज रहे हैं। तो इस हिसाब से होता होता अब जब इंद्रजीत नाम था वो इसलिए बड़ा था कि इसने एक बार देवराज इंद्र जो चढ़ाई कर दी थी जाके ऊपर, तो इंद्रपुरी में, तो वहाँ से ये उसको जो इंद्र देवता था उसको बंदी बना के ये यहाँ पे ले आया था अपने लंका में। तो उस समय जब माना जाता है कि जो प्रत्येक ये ऊपर नीचे होनी शुरू हुई क्योंकि उसको बारिश का देवता माना जाता है, तो
तो इसलिए जब इधर उधर होने लगा तो ब्रह्मा जी खुद आए इंद्रजीत के पास, मेघनाथ के पास मतलब, तो उन्होंने खुद कहा कि आपने इंद्र के ऊपर जीत पाई, इसके लिए आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत होगा, लेकिन उसे आप छोड़ दो क्योंकि उसके बिना जो प्रकृति का जो बैलेंस है डिसबैलेंस हो रहा है। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ये भी कहा कि अगर आप अभी उसको छोड़ दोगे तो आपको मन चाहा मैं वरदान दूंगा। तो उस समय फिर उन्होंने इंद्र को तो छोड़ दिया क्योंकि चाहे जैसे थे लेकिन वो देवताओं का बहुत आदर करते थे, उसके एक बार कहने से उसने छोड़ दिया उसको। और फिर उसने यही कहा कि मैं हमेशा जो युद्ध है उसमें विजयी रहूं, ऐसा कोई वरदान दीजिए ब्रह्मा को, कहा मेघनाथ ने इंद्रजीत ने। तो उसने यही कहा कि उनकी ना कुलदेवी का मंदिर था साथ में, तो उन्होंने कहा था जब भी किसी उसमें जाना है तुमने युद्ध में तो वहाँ कुलदेवी की पहले पूजा करके जाना, तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा, बस हर बार उसकी पूजा करके जाना जब भी जाना। इसीलिए तो रामायण में भी शुरू से लेकर अंत तक वो लड़ता रहा था आगे चलकर। वो तो फिर जो विभीषण था उसने ही उसकी सीक्रेसी थी जो लीक कर दी, कि जब वो वहाँ पे करने गया था पूजा तो उसने सारा बता दिया था कि अगर पूजा पूरी हो गई तो इसको मार नहीं सकेंगे, इसलिए इसको पूजा को खलन में डाला, उसकी पूजा खराब कर दी बीच में ही, तो उस हिसाब से वो हो गया था। और बाकी जो महाभारत काल के दिखे हैं तो जो सबसे बड़ा धनुर्धर थे अपने अर्जुन, तो उसका भी यही बताया गया कि उनकी तो लंबाई ही इतनी तभी जो उसका जो धनुष था वो ही 7 फीट ऊंचा था। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए हनुमान जी की जो ताकत है, शक्तियाँ हैं, लंबाई चढ़ाई हुई, उसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, किसी जगह भी लिखा नहीं हुआ, क्योंकि जो उनकी लंबाई चढ़ाई थी वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर लेते थे। और रही बात शक्ति की, तो शक्ति का इतनी थी उनमें कि उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, किसी भी नंबर के हिसाब से नहीं हम कह सकते। तो बाकी जो दुर्योधन वगैरह थे, इनकी जो उम्र थी वो अर्जुन की 80 साल की थी और भीम की 90 साल, युधिष्ठिर 91 साल, नकुल और साहब 88 साल के रहे थे, और जो दुर्योधन था वो 90 साल, और जो कर्ण था उसकी 107 साल की उम्र थी। तो यही चीज़ें हैं कि हम उस टाइम में और इस समय के लिए सोच के देखें तो कितना जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हम अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देकर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो मिलावटी चीज़ें आ रही हैं जिसके वजह से बीमारियां हो रही हैं और पहले ही 60-70 साल में मर रहे हैं लोग। तो इस सारी चीज़ को अगर देखना पड़ेगा तभी आगे चल के ठीक रहेगा। और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो जब इसलिए अभी तक की है तो धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।